स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी लाइसेंस एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन किस तरीके से आप बुक कर सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। अब परिवहन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट के लाइसेंस एप्लीकेशन है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। अब दो तरीके हैं लाइसेंस एप्लीकेशन के अपॉइंटमेंट बुक करने के। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो भी लाइसेंस के एप्लीकेशन है, अगर लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, परमानेंट या पक्के लाइसेंस की एप्लीकेशन का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। वहीं अगर अदर टाइप के एप्लीकेशन है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस नेम चेंज और ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेसमेंट या अदर टाइप की जो भी लाइसेंस एप्लीकेशन है उसका अपॉइंटमेंट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से लाइसेंस एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला रह रहा है तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाला जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रहा है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाता है। तो मेरा परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन है तो उस केस में मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों की है तो यहाँ पे दोनों पे मैं क्लिक कर लूंगा, दोनों बॉक्सेस पे। अगर आपकी परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन नहीं है, रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन है या अदर टाइप की लाइसेंस एप्लीकेशन है तो डायरेक्ट आपको प्रोसीड दिख जाएगा। तो हमारी जो है परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन है तो इसलिए ये दिख रहा है। तो गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों की परमानेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन हमारी, तो हम दोनों पे क्लिक कर लेंगे, दोनों बॉक्सेस पे। इस बॉक्स पे क्लिक कर लिया, इस बॉक्सेस पे क्लिक कर लिया है, मोटरसाइकिल वाले बॉक्स पे क्लिक कर लिया है और LMV लाइट मोटर व्हीकल वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अब सिंपली प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से कैलेंडर ओपन होके आ जाता है। तो जो ग्रीन डेट है इन डेटों में किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। तो जैसे मैं नेक्स्ट डे का ही करना चाहता हूँ, 6 तारीख का करना चाहता हूँ, आज 5 दिसंबर हो गया, 6 दिसंबर का करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 6 पे क्लिक कर दूंगा। अब इवनिंग का जैसे मेरे को करना है 3 to 5 वाला, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस सर्कल पे। उसके बाद बुक स्लॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक है सिक्योरिटी कोड उस पर चला गया, वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल दीजिए 6 डिजिट का, और जैसे ही आए तुरंत आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 1 या 2 मिनट का भी वेट करते हैं डालने में, अगर यहाँ पे देरी करते हैं तो टाइम आउट यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे ही आपके पास आए, जैसे ही मोबाइल पे SMS आए, तुरंत यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके पास सिक्योरिटी कोड नहीं आया है तो एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा और नेटवर्क एरिया में चले जाइएगा। उसके बाद आप दोबारा से इस पेज पे आइएगा और डेट सेलेक्ट करके, कैलेंडर में डेट सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके, उसके बाद आओगे सिक्योरिटी कोड चला जाएगा मोबाइल पे। तो जो सिक्योरिटी कोड आया है तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस डेट का, जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपने किया वो डेट यहाँ पे दिख जाएगी, टाइम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी राइट साइड में आओगे आप तो यहाँ पे QR कोड दिख जाएगा, UID नंबर दिख जाएगा। तो इसका आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हो प्रिंट पे क्लिक करके। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो यहाँ पे आदर्श पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डालोगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालोगे, उसके बाद प्रिंट
स्लॉट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी। इस पेज पर राइट साइड में आओगे, यहाँ पर प्रिंट डीएल स्लॉट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी। लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आप डाल दीजिएगा लाइसेंस, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आपको दी जाएगी, इनको आप देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।